सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा ओवर पावर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लैश फ्रीज अटैक टेस्ट, या फिर आप इसको आइस ग्रेनेड अटैक टेस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब कि हम दो दो करके फ्लैश फ्रीज जो है दिमित्री पे फेंकेंगे, A124 पे फेंकेंगे और स्काइलर पे फेंकेंगे और के कैरेक्टर पे फेंकेंगे, और इनकी एबिलिटी को ऑन करके देखेंगे क्या ये जिंदा बच पाते हैं या फिर नहीं, और अगर जिंदा बचते हैं तो इनका कितना HP बचता है। तो ये अभी तक का सबसे यूनिक एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा इतना कम सब्सक्राइबर है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि मेरा कितना सब्सक्राइबर है। इसलिए अगर आप ये तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मैं तीन तक गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं दिमित्री कैरेक्टर के ऊपर। तो यहाँ सिंपली हम खड़ा हो जाएंगे और सामने से वो फ्लैश फ्रीज फेंकेगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ साइड में आपको HP भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहला ये जो फर्स्ट हमारा फ्लैश फ्रीज था उसने फेंक दिया, और यहाँ पर हमने दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी को भी ऑन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा माइनस हो रहा, थोड़ा सा प्लस हो रहा। और यहाँ पर उसने दूसरा फ्लैश फ्रीज भी फेंक दिया है, तो यहाँ पर अब और ज्यादा माइनस हो रहा, लेकिन लग नहीं रहा कि दिमित्री कैरेक्टर फुल कर पाएगा अपना पूरा HP। तो यहाँ पर दिमित्री कैरेक्टर मरा नहीं, लेकिन उसका जो HP था वो 97 हो गया और इसका एबिलिटी भी खत्म हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे A124 पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये A124 कैरेक्टर, तो यहाँ पर सामने से पहला फ्लैश फ्रीज भी आ चुका है और हमारा HP माइनस होने लगा है। लेकिन अभी हम इसकी स्किल कॉन नहीं करेंगे और थोड़ा माइनस होने देते हैं, वरना वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला इस बार इसका स्किल कॉन करी, और यहाँ पर दूसरा फ्लैश फ्रीज भी आ चुका है, लेकिन हम इतने टाइम में ही दूसरी बार भी इसके स्किल को यूज कर सकते हैं A124 की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कूल डाउन टाइम खत्म होने वाला, और यहाँ पर हमने दूसरे बार भी यूज कर लिया है A124 की एबिलिटी, और यहाँ पर अभी HP बढ़ रहा। तो ये लगभग हमारा 190 तक A124 ने बढ़ा है, और अभी जो बढ़ रहा है 1-2, ये तो नॉर्मल EP से जो बढ़ता है वही बढ़ रहा है, लेकिन A124 ने 190 तक हमारा HP बढ़ाया। उसके बाद अब हम देखेंगे स्काइलर कैरेक्टर के ऊपर। तो आपको पता है स्काइलर कैरेक्टर का जो HP है वो ग्लू वॉल से बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर हमने 6 ग्लू वॉल ले लिया है स्काइलर कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर जो पहला फ्लैश फ्रीज था वो आ चुका है, और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हमने ग्लू वॉल मारना भी स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर 2 ग्लू वॉल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा फ्लैश फ्रीज है वो भी आ गया, और अब ज़्यादा माइनस हो रहा है, लेकिन अब हमारा ग्लू वॉल भी खत्म होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लू वॉल खत्म हो गया, लेकिन जो HP अभी भी बढ़ रहा, तो उसी के साथ ही साथ जो हमारा फ्लैश फ्रीज का पावर भी खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो HP बचा है 160। तो अब बचता है हमारा लास्ट के कैरेक्टर, और इसको दिखाने से पहले ही आप वीडियो पे कमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए कि कौन बेस्ट था। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ यहाँ पर पहला फ्लैश फ्रीज आ चुका है के कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा के कैरेक्टर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी आ चुका है, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा के कैरेक्टर के ऊपर, और लगभग सबसे टक्कर में यही चल रहा है फ्लैश फ्रीज के मुकाबले में के कैरेक्टर। तो यहाँ पर इस जो फ्लैश फ्रीज का पावर खत्म हो गया, लेकिन जो के कैरेक्टर अभी भी HP बढ़ा और लगभग ये फुल कर दिया है इसने HP। तो हमारा जो फ्लैश फ्रीज अटैक अवार्ड था वो जाता है हमारे के कैरेक्टर को।